भारत की ज्ञान और भक्ति की महान परंपरा के एक महान संत थे, संत ज्ञानेश्वर, जो 13वीं सदी में संसार में आए और समता तथा समभाव का संदेश देकर मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में इस संसार को छोड़कर चले गए। कल 30 अगस्त 2021 सोमवार को उनकी जयंती थी। आज से 746 वर्ष पूर्व बालक ज्ञानदेव नाथ और वैष्णव संप्रदाय के दर्शन में निष्णात हो गए थे। संत ज्ञानेश्वर भगवान विट्ठल नाथ के अनन्य उपासक और संत निवृत्तिनाथ के शिष्य थे। महाराष्ट्र संस्कृति के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि उनकी 4 प्रमुख कृतियों ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासठी एवं अभंग की रचना के कारण है। श्रीमद् भागवत गीता की मराठी टीका ज्ञानेश्वरी वास्तव में गीता भाष्य है। इसमें गीता का उपदेश अत्यंत सुंदर तरीके से समझाया है। इसे भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि इसकी रचना उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में की थी। वे न केवल संत थे बल्कि श्रेष्ठ कवि भी थे। यही कारण है कि ज्ञानेश्वरी में काव्य के दोनों अंग रस और अलंकार का मणिकांचन संयोग अनुभव होता है। ऐसे महान संत जो ज्ञान और भक्ति की परंपरा के महान संत थे, उन्हें शत शत नमन, सहस्त्र नमन।